नमस्कार दोस्तों, हंस मैनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। भाग नंबर 3, जैसा कि आप सभी को बताया कि कल हमने बात की थी कि सामान्य वर्ष और लीव वर्ष के वो कौन कौन से महीने जिनका जो कैलेंडर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो उसके बाद में आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से वर्ष हैं वर्ष हैं जिनके कैलेंडर समान होंगे। तो देखिए कि आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया कि 2020 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिपीट कब होगा। कि आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया कि 2019 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिपीट कब होगा। कि आपसे एग्जाम में यह पूछ लिया कि 2018 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिपीट कब होगा। आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया कि 2017 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिपीट कब होगा। तो देखिए, आपसे एग्जाम में इस तरीके के कोई भी प्रश्न आ जाए तो उन प्रश्नों को आपको कैसे करना है, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है ना, वो ट्रिक क्या है वो बताता हूँ। तो देखिए उसका नियम, उस ट्रिक का नंबर एक नंबर नियम है वो क्या है। नियम एक है कि वर्ष के अंतिम दो अंकों में यदि हम चार का भाग देंगे तो शेषफल यदि एक बचता है, शेषफल एक बचता है तो आप उस वर्ष में छह जोड़ दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी वर्ष दिया होगा उसमें यदि आप छह जोड़ दोगे तो जब छह जोड़ने के बाद जो भी वर्ष आएगा तो उस वर्ष का कैलेंडर और जिस वर्ष का कैलेंडर आपको एग्जाम में पूछा गया तो उन दोनों वर्षों का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। और यदि शेषफल क्या बचता है, दो नंबर उसका रूल क्या है, यदि शेषफल क्या बचता है, दो या तीन बचता है तो आपको क्या जोड़ना है, उस वर्ष में 11 जोड़ना है। 11 जोड़ोगे तो जो भी आंसर आएगा तो उन दोनों वर्षों का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। उसके बाद देखिए यदि तीन नंबर बात, यदि शेषफल क्या बचता है, जीरो बचता है। यदि वर्ष के अंतिम दो अंकों में हम चार का भाग देंगे, तो शेषफल यदि जीरो बचता है तो आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है उस वर्ष में कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। यदि देखिए एक नंबर प्रश्न हमने अभी बात की थी कि 2020 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिपीट कब होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जनवरी को जो वार होगा वही जो हम जो अभी ज्ञात करेंगे उस कैलेंडर का 1 जनवरी का वही वार होगा। उसके बाद में देखिए 1 जनवरी या 1 फरवरी 1 मार्च या 20 अप्रैल उस दिन जो भी वार होगा वही उस कैलेंडर में उस दिन वो वार होगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं 2020 की, 2020 की बात करें तो इसके अंतिम दो अंक वो क्या है, 20 और 20 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो जीरो बन जाएगा तो मैंने क्या बताया कि जो भी वर्ष दिया गया है उसका यदि शेषफल क्या बचे, जीरो बचे तो आप उसमें कितना जोड़ दोगे, 28 जोड़ दोगे। तो 2020 में जब आप जोड़ोगे 28 जोड़ोगे 2020 में जब आप जोड़ोगे 28 तो आंसर क्या आएगा, 2048। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2020 का जो कैलेंडर है, 2020 का जो कैलेंडर है वो क्या होगा, 2020 का जो कैलेंडर है वो 2048 में क्या होगा, रिवाइज होगा। कि 2020 का जो कैलेंडर है वो 2048 में क्या होगा, रिवाइज होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कि 2019 का जो कैलेंडर है वह दोबारा कब आएगा, यानी कि वो रिवाइज कब होगा। तो देखिए 2019, तो इसके जो अंतिम दो अंक है वो क्या है, 19 है। और 19 में जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 2 या 3 बचेगा। तो 2 या 3 बचेगा तो मैंने बताया था जब शेषफल 2 या 3 बचे तो आपको क्या जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो देखिए 2019 में जब हम जोड़ेंगे 11 तो आंसर क्या आएगा, 2030। कहने का मतलब हो गया कि 2019 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिवाइज कब होगा, 2030 में होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था कि 2018 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिवाइज कब होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि वर्ष के अंतिम दो अंकों में यदि हम 4 का भाग देंगे या 4 से उसे डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 या 3 बचे। तो देखिए 18 में जब हमने 4 का भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा, 2। तो मैंने आपको क्या बताया था, शेषफल 2 या 3 बचे तो आपको कितने जोड़ने, 11 जोड़ने। तो
तो देखिए 2018 का जो कैलेंडर होगा वो दोबारा रिवाइज कब होगा, 2029 का जो कैलेंडर होगा कि 2018 कैलेंडर और 2029 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 की हमने बात की थी कि 2017 का कैलेंडर है कि 2017 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिवाइज कब होगा, तो देखिए वर्ष के अंतिम दो अंक है 17 और 17 में जब हम 4 का भाग देंगे तो सेंस पर क्या बन जाएगा, 1। तो 1 बन जाएगा, तो मैंने बताया था यदि सेंस पर 1 बन जाए तो 2017 में आपको कितने जोड़ने होंगे, 6 जोड़ने होंगे। तो 2017 और 6 कितने होंगे, 2023। इसका मतलब हो गया कि 2017 का जो कैलेंडर था वही कैलेंडर दोबारा कब रिवाइज होगा, 2023 में रिवाइज होगा। ठीक है, यहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको आ गया होगा समझ में। ये तो थी इसका, यदि आप याद नहीं कर सकते तो ये था इसका एक सिंपल सा पैटर्न, और ये थी इसकी यानी कि ऐसे आपसे एकदम क्वेश्चन आ जाए कि ऐसे कौन से वर्ष है जिनका कैलेंडर वो समान होगा, तो इसके लिए आपको ये तीन बात याद रखनी है कि वर्ष के अंतिम दो अंकों में यदि हम 4 का भाग देंगे तो सेंसफुल यदि 1 बचता है तो उस वर्ष में आपको कितने जोड़ने, 6। यदि सेंसफुल 2 या 3 जोड़ता है तो आपको 11 जोड़ने, और यदि सेंसफुल 0 बचता है तो आपको कितने जोड़ने, 28। अब देखिए एग्जाम में जैसे मान लीजिए कि अभी हमने ज्ञात किया था 2017 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिवाइज कब होगा, 2023 में, और आपको एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिया गया कि 2017 का, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि 2017 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिवाइज कब होगा, और आपको पता है सेंसफुल यदि 1 बचे तो आपको कितने जोड़ने, 6 जोड़ने थे। इसका मतलब हो गया 2023 इसका आंसर होना था, तो देखिए और आपको एग्जाम में क्या 2023 नहीं दिया गया, तो देखिए तो आपको वहां पे एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो आपको क्या वहां पे आपको घबराना नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, देखिए प्रत्येक 28 वर्ष बाद कि प्रत्येक 28 वर्ष बाद जो कैलेंडर है वो क्या होते हैं, रिवाइज होते हैं। यदि आपको एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं मिले कि 2023, तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा कि 2017 में जब आप जोड़ोगे 28 तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2045 मिलेगा, या तो मिलेगा 2023 या मिलेगा 2023, है ना। ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि कोई भी कैलेंडर हो, किसी भी वर्ष का जो भी कैलेंडर होगा वो क्या प्रत्येक 28 वर्ष बाद क्या होगा, रिवाइज होगा, है ना। ये तो हो गया इसका ट्रिक। अब देखिए जो इनकी जो विधि है परंपरागत विधि, तो हमने देखी पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है, ठीक है, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। तो देखिए ये जो 1 और 2 विषम दिन बच रहे हैं यही विषम दिन है ना, यही विषम दिन मिलकर यानी जिस भी वर्ष में ये विषम दिन मिलेंगे इनके अंकों का योग 7 हो जाएगा, तो वो वर्ष क्या होगा, यानी कि वो वर्ष क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि 1995 का जो कैलेंडर है कि 1995 का जो कैलेंडर है वो दोबारा रिवाइज कब होगा, तो देखिए इसका मेथड क्या होगा, पहले आपको ये देखना है कि 1995 ये क्या है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो देखिए 1995 के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, 1995 ये क्या है, साधारण वर्ष है। तो देखिए 1995 साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। उसके बाद देखिए 1996 क्या है, लीप वर्ष है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 2। उसके बाद देखिए 1997 क्या है, साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। फिर देखिए 1998 क्या है, साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। उसके बाद देखिए 1999 भी क्या है, 1999 भी क्या है, 1999 भी क्या है, 1। 1999 भी साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। उसके बाद देखिए 2000 क्या है, 2000 लीप वर्ष है, मैंने आपको बताया था जो भी शताब्दी वर्ष हो यदि वो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो 2000 में 2400 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे तो 2000 भी क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसका इसमें विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे, है ना। उसके बाद देखिए आप आगे देखिए इनके अंकों का योग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे। उसके बाद देखिए 2001, ठीक है, तो 2001 है साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, 1। 2002 है ना, 2002 इसमें विषम दिन कितने होंगे, 1। फिर देखिए 2003 इसमें विषम दिन कितने होंगे, 1। फिर 2004 ये लीप वर्ष है इसमें आ गए 2, और फिर आ गया 2005 और इसमें कितने आ गए, 2005 में 2005 क्या साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिन कितने आ गए। अब इनके अंकों का योग कर लेते हैं, तो देखिए 1 और 2 कितने होते हैं, 3,
चार पाँच छ सात और आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह। अब देखिए इनके अंकों का योग कितना आ रहा है, चौदह, और चौदह क्या है पूरे पूरे सात से डिवाइड हो रहे हैं, तो शेष फल क्या बच रहा है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1995 का जो कैलेंडर है, इसका मतलब क्या हो गया, 1995 का जो कैलेंडर है, देखिए 2005 के बाद में कौन सा वर्ष आएगा, 2006, कि 2005 के बाद में कौन सा वर्ष आएगा, 2006, तो 1995 का जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, 2006 का जो कैलेंडर होगा वो क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। तो देखिए जो आंसर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि यदि आपके पास उस आंसर की कोई ट्रिक है तो आप कर दो, तो आपके पास तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक, यदि सेंस फल बचे एक तो आपको कितने जोड़ने, छह वर्ष जोड़ने, और यदि दो या तीन बचे सेंस फल तो आपको कितने जोड़ने, ग्यारह, और यदि बचे जीरो तो आपको जोड़ने 28। यदि छह और ग्यारह वाले दोनों ऑप्शन नहीं मिले तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा 28, कि आप किसी भी वर्ष में 28 जोड़ दोगे तो जो भी वर्ष आएगा वो, यानी कोई भी वर्ष है वो क्या प्रत्येक 28 वर्ष बाद में उसका क्या होता है, वो उसकी पुनरावृत्ति होती है। कि जैसे आपने देखा होगा कि 1983 का जो विश्व कप की भारत ने क्रिकेट का विश्व कप जीता था प्रथम, तो आपने न्यूज़पेपरों में देखा होगा कि 1983 का जो वर्ष था उस वर्ष के जो भी महीने थे उनके जो वार थे और जो दिनांक थी वो क्या थी, सेम थी। और भारत ने जब 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो दोनों वर्ल्ड कप में कॉमन बात क्या थी कि 1983 और 2011 का जो कैलेंडर था वो क्या था, सेम था, है ना। तो देखिए 1983 में जब आप जोड़ोगे 28 तो आंसर कितना आएगा, 2011, तो प्रत्येक 28 वर्ष के बाद में क्या होती है कि जो भी जिस भी वर्ष का कैलेंडर है उसकी क्या होगी, उसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आपके, यहाँ तक मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा समझ में। उसके बाद में देखिए इसमें जो प्रश्न आते हैं वो किस तरीके से और आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक चला था हमारा कैलेंडर, और इसमें बात कर लेते हैं किसकी, सामान्य वर्ष की। तो इसमें बात करें तो देखिए जब दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि आपको कोई भी दिनांक दे दी जाएगी और आपको क्या करना होगा उसका, कि उस दिन क्या बार है वो याद करना होगा। तो देखिए तो एग्जाम में आजकल कैसे प्रश्न आते हैं कि आप इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को माना जाए कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, रविवार था। माना जाए कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, रविवार था। तो आपको याद करना है, आपको याद क्या करना है, 26 जनवरी 2021 को क्या वार होगा, 26 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। तो देखिए आपसे सवाल में क्या पूछा है कि माना जाए कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, रविवार था, कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, रविवार था। और आपसे एग्जाम में पूछा है कि 26 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। तो देखिए इससे पहले वाले सवालों में हमने जो हमने ट्रिक पूछी थी उसकी सहायता से आप लोग क्या करोगे, 26 जनवरी 2021 को क्या वार होगा वो आप याद कर लोगे, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। तो देखिए इसने एग्जामिनर ने आपसे सवाल में क्या पूछा है कि माना जाए कि ये माना गया है कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, रविवार था। तो आपको पहले क्या याद करना होगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था वो याद करना है। तो देखिए पहले आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, और फिर आप देखिए 1947 क्या एक साधारण वर्ष है, सामान्य वर्ष है। तो देखिए इसमें पहले आपको देखना होगा अगस्त का कोड कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था अगस्त का कोड यानी जो साधारण वर्ष होते हैं उनमें आपको लिखना था, मैंने आपको बताया था क्या बताया था, 144, 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, फिर 6 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग क्या आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो अगस्त महीने कोड कितने हैं, 3। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो अंतिम दो अंक दिए गए वर्ष के वो लिखने 47, और 47 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष आ गए। देखिए 47 में जब आप 4 का भाग दोगे, 4 का भाग पूरा कितनी बार जा रहे हैं वो, इसका तो 11 बार जा रहे हैं। उसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी है तो इसके शताब्दी कोड आपको लिखने नहीं है, और इन सभी का योग करके आपको किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो आपको पहले क्या करना है, इनका योग करना है, 1 और 7 कितने होते हैं, 8, 8 होते हैं 11, और 5 कितने होते हैं, 16। उसके बाद देखिए 1 और 1 2, 2 और 4 6, और 6 1 7, और आपको इस पे किसका भाग देना है,
क्षेत्र पर जब आप सात का भाग दोगे तो सेंस पर क्या बचेंगे, छह का मतलब क्या हो गया, शुक्रवार। ठीक है, तो अब देखिए एग्जामिनर ने आपको सवाल में क्या दिया है कि 15 अगस्त 1947 को एग्जाम में क्या दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार है, रविवार है, लेकिन रियल जो वार था उस दिन वो वार क्या था, शुक्रवार। कहने का मतलब क्या हो गया कि एग्जामिनर ने शुक्रवार में दो दिन क्या कर दिए, ऐड कर दिए, है ना, तो दो दिन ऐड कर दिए। तो अब आप क्या करोगे कि 26 जनवरी 2021 को जो वार आएगा उसमें आप क्या कर दोगे, दो दिन जोड़ दोगे। तो अब हम इसका वार याद करते हैं, तो देखिए 2021 क्या है, 2021 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। देखिए इसकी पहचान कैसे करोगे लीप वर्ष की, कि वर्ष के अंतिम दो अंकों में आपको किसका भाग देना है, वर्ष के अंतिम दो अंकों में आपको आपको भाग देना है चार का। तो देखिए यहाँ पे 21 दिए गए हैं और 21 में चार का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, साधारण वर्ष है। और देखिए जनवरी का कोड कितना होगा, 1, और फिर आपको लिखना है वर्ष कितने, 21, और इसमें लीप वर्ष कितने आ गए, 5, और फिर देखिए शताब्दी कौन सी है, 2000 भी, तो इसका जो शताब्दी कोड होगा वो क्या होगा, 6 होगा। फिर इन सभी का योग करके आपको किसका भाग देना है, 7 का भाग देना। तो देखिए 26 और 1 कितने होते हैं, 27, और 27 और 21 कितने होते हैं, 27 और 21 48, 48 और 5 53, और 53 और 4 कितने होते हैं, 59, और भाग आपको किसका देना है, 7। तो देखिए 59 पर जब आप 7 का भाग दोगे तो आपको भाग इस तरीके से देना है, देखिए भाग दिया कितनी बार, 8 बार, और सेंस पर कितने पहुंचे, 3, और 3 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। 3 का मतलब क्या हो गया, मंगलवार। देखिए जो 2021 की जो 26 जनवरी 2021 को जो वार होगा वो क्या होगा, मंगलवार। लेकिन एग्जामिनर ने हमें क्या दिया था कि 15 अगस्त 1947 को क्या है, रविवार, यानी कि उसका जो रियल वार था उसमें उसने जो रियल वार था उसमें उसने क्या किया, दो दिन जोड़ दिए। तो आप भी मंगलवार में दो दिन जोड़ दो, तो मंगलवार के दो दिन जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है, कि आपके एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए और आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉपिक चला था हमारा सामान्य वर्ष, इसमें मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछ लिया, कोई भी सामान्य वर्ष दे दिया, कोई भी सामान्य वर्ष दे दिया, जैसे एग्जाम में ये दे दिया कि 20 जनवरी, माना कि 20 जनवरी 2019 को, 2019 को क्या वार है, मंगलवार है। सामान्य वर्ष की बात चल रही है और आपको एग्जाम में ये दे दिया कि 20 जनवरी 2019 को क्या वार है, मंगलवार है। तो आपसे ये पूछ लिया कि 20 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, 20 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। अब देखिए एग्जाम में आपसे क्या पूछा है कि 20 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, तो देखिए तो यहाँ पे देखिए महीना कौन सा है, देखिए इस तरीके के प्रश्न देखिए जिनमें जो डेट समान दी गई है, तो आपको इस तरीके से करना है, यहाँ पे महीना कौन सा दिया गया, जनवरी, और जनवरी का कोड कितना है, 1, और फिर आपको आपको याद करना है दिसंबर महीने 20 तारीख को क्या वार होगा, तो दिसंबर का कोड कितना है, 6, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, यानी कि जब 6 में से 1 टाइम तो पीछे क्या बचेगा, 5, तो आप क्या करो मंगलवार में 5 जोड़ दो। तो देखिए मंगलवार में जब हम जोड़ेंगे 5, तो मंगलवार, उसके बाद बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर और फिर उसके बाद क्या आएगा, रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर क्या हो जाएगा कि 20 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, रविवार होगा। अब देखिए इसी तरीके से आपसे ये पूछ लिया कि 5 जून, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्या पूछ लिया कि ये हम बात करें लीप वर्ष में ये ट्रिक माने नहीं होगी, ये केवल और केवल सामान्य वर्ष के लिए। आपको एग्जाम में ये दे दिया कि 5 जून, कि 5 जून को, 5 जून यहाँ पे आप वर्ष 1900 यहाँ पे ले लो 1993 ले लो, है ना, जो भी आपको लेना है, आपको केवल लीप वर्ष नहीं लेने, केवल और केवल कौन से वर्ष लेने, सामान्य वर्ष लेने, कि आपको एग्जाम में देते हैं कि 5 जून 1993 को क्या वार था, मान लीजिए जो भी वार मान लो कि 5 जून 1993 को क्या वार था, बुधवार था, और आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया 12 जनवरी 1993 को क्या वार है, 12 जनवरी 1993 को क्या वार है। तो देखिए आपको पहले क्या याद करना होगा, पहले आपको वार याद करना होगा 5 जनवरी का, क्योंकि देखिए यदि
जो दिनांक सेम दी गई है और केवल महीनों का अंतर है, और ये बात किस में हो रही है, सामान्य वर्ष में, तो आपको आपको क्या करना है यहाँ पे, ये कौन सा महीना दिया गया है, जून दिया गया है, तो देखिए जून महीने का कोड कितना है, 5 है, और जनवरी के महीने का कोड कितना है, 1 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या है, जून से किस तरफ आ रहे हैं, जनवरी की तरफ आ रहे हैं, तो आपकी बार आपको क्या कर, आपकी बार आपको ये जो 4 है इनका, इनको जोड़ना नहीं, ऐड नहीं करना है, तो बल्कि आपको इनको क्या करना है, यानी जो भी वार दिया गया है उसमें से आपको 4 दिन, जो भी वार दिया गया उसमें से आपको ये 4 दिन क्या करने हैं, माइनस करने हैं, पीछे की तरफ चलना है। तो देखिए बुधवार से पहले मंगलवार, फिर सोमवार, फिर और फिर कौन सा बार आएगा, रविवार, और उसके बाद जो उसके बाद आएगा शनिवार। तो कहने का मतलब हो गया, कहने का मतलब हो गया कि 5 जनवरी 1993 को वार क्या होगा, शनिवार, और आपसे इस वार में क्या पूछा है, 12 जनवरी 1993 को क्या वार होगा, 12 जनवरी 1993 को क्या वार होगा। तो देखिए 5 है, तो आपको बताया कि प्रत्येक 7 दिन के बाद, कि आपको यह बताया कि प्रत्येक 7 दिन के बाद जो भी वार आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, ये या तो आप 7 दिन आगे की तरफ, या तो आप 7 दिन पीछे की तरफ चले जाओ, या फिर आप आगे की तरफ चले जाओ, जो भी वार आएगा वो सेम आएगा। तो देखिए जब 5 में आप 7 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 12। तो 12 जनवरी को क्या वार होगा, शनिवार, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि आपके एग्जाम में और किस तरीके के प्रश्न आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यह था, मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको आ गया, उसके बाद देखिए आगे। अब देखिए आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे कि महेश को याद है, ये प्रश्न आ गया है कि महेश को याद है, याद है कि उसका जन्मदिन, महेश को याद है कि उसका जन्मदिन 12 जनवरी के बाद वह 15 जनवरी से पहले और मुकेश की माँ को और महेश की माँ को याद है, और महेश की माँ को याद है, माँ को याद है कि उस कि महेश का जन्मदिन, कि महेश का जन्मदिन 13 जनवरी के बाद वह 16 जनवरी से पहले तो बताओ, महेश का जन्मदिन किस दिनांक को है, महेश का जन्मदिन किस दिनांक को है। तो देखिए प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि महेश को याद है कि उसका जन्मदिन 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी से पहले, और महेश की माँ को याद है कि महेश का जन्मदिन 13 जनवरी के बाद 16 जनवरी से पहले। तो बताओ कि महेश का जन्मदिन किस दिनांक को है, या किस दिन है। तो देखिए इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें आपको क्या करना है, आपको लेने कॉमन कि महेश को याद है, क्या याद है कि उसका जन्मदिन क्या है, 13 जनवरी, उसका जन्मदिन 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी से पहले, कि 12 जनवरी के बाद क्या है, 13 और 14, और उसे क्या याद है कि उसका जन्मदिन 12 जनवरी के बाद और 15 जनवरी से पहले, ठीक है। और महेश की माँ को याद है, क्या याद है कि जो महेश का जो जन्मदिन है वो क्या है, वो क्या है, 13 जनवरी के बाद और 16 जनवरी से पहले, है ना। तो अब देखिए ये प्रश्न आ गया और आपसे क्या पूछा है कि मैं बताइए महेश का जन्मदिन किस दिनांक को है। तो देखिए महेश को क्या याद है कि उसका जो जन्मदिन है वो क्या है, 12 जनवरी के बाद और 15 जनवरी से पहले, यानी कि 12 जनवरी और 15 जनवरी ये दो, तो 12 जनवरी और 15 जनवरी ये दो दिनांक तो उसका जन्मदिन,
उसका जन्मदिन नहीं हो सकते। और उसके बाद देखिए उसकी माँ को याद है कि 13 जनवरी के बाद और 16 जनवरी 13 जनवरी बाद और 16 जनवरी से पहले उसका क्या जन्मदिन है, तो 13 और 16 ये भी नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए 13 यहाँ पे कैंसिल है तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो देखिए जब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 14, तो महेश का जो जन्मदिन है वो किस दिन है, वो 14, वो किस दिन है, महेश का जन्मदिन है 14 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे संबंधित आपके आपके जो प्रश्न आए कैलेंडर में और किस तरीके के प्रश्न आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसका देखिए इसका अंतिम भाग है कैलेंडर का और जो जो प्रश्न आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, है ना। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है कि यह प्रश्न है कि इस तरीके प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में कि आज 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 गुरुवार है, आज आज गुरुवार है, तो बताओ 20 सप्ताह वह 160 दिन बाद क्या बार होगा, बाद क्या बार होगा। तो देखिए इस तरीके कोई भी प्रश्न आते हैं तो उनको आपको क्या किस तरीके से करना है। देखिए प्रश्न क्या दिया गया कि आज गुरुवार है तो बताओ 20 सप्ताह वह 160 दिन बाद क्या बार होगा। तो देखिए आज का बार हमें दिया गया गुरुवार और आपको पूछा है कि 20 सप्ताह वह 160 दिन बाद में क्या बार होगा। तो देखिए 20 सप्ताह तो आपको पता है कि 20 सप्ताह के बाद में जो भी बार आएगा वो ये बार क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है कि 160 दिन है उसमें जो विषम दिन है वो कितने आ रहे हैं, तो 160 पे आपको किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो बाद किस तरीके से देखो यहाँ पे लिख लिया 160 और यहाँ पे 7 का भाग देना है, तो 7 का भाग पे कितनी बार जा रहे हैं, 2 बार, सेंस कितने बचे 2, और फिर 7 का भाग कितनी बार गया 2 बार, फिर सेंस कितने बचे 6, तो इसका मतलब क्या हो गया ना, सेंस कितने बचे 6, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप गुरुवार में 6 दिन जोड़ोगे, इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप गुरुवार में 6 दिन जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें आप इसमें गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, उसके बाद क्या आएगा, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार और बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बुधवार। दोबारा देख लीजिए प्रश्न क्या दिया गया कि आज गुरुवार है तो बताओ 20 सप्ताह 160 दिन बाद में क्या बार होगा। तो देखिए 20 सप्ताह तो आपको बताया 20 सप्ताह में कुल कितने दिन होंगे, 160 दिन होंगे। तो 20 सप्ताह में यानी 20 को 7 से गुणा करोगे तो इसमें कुल कितने दिन होंगे, 140 दिन होंगे। तो 140 दिन होंगे तो आपको पता है कि 140 दिन के बाद में जो भी बार आएगा वो क्या आएगा, गुरुवार आएगा। उसके बाद में आपको आगे ये और दे दिया कि 160 दिन बाद क्या बार आएगा। तो 160 में पहले आपको ये याद करने होंगे इसमें कुल कितने सप्ताह आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 22 सप्ताह तो आ रहे हैं पूरे, यानी कि 20 सप्ताह के बाद क्या बार है, गुरुवार है। तो 22 सप्ताह के बाद भी क्या बार होगा, गुरुवार। और उसके बाद देखिए इसका सेंस पर क्या बच रहा है, तो इसमें आपको कितने जोड़ने हैं, 6, और जब गुरुवार में 6 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, बुधवार। और यह था हमारा टॉपिक कैलेंडर जो आज पूरा हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद सभी को।